रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए एक तरफ दिया हुआ है पैरामीटर्स, वेदर पैरामीटर्स हैं, और दूसरी तरफ दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे उसको मेजर करेंगे। एक तरफ वेदर पैरामीटर्स हैं और दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट जो वेदर पैरामीटर को मेजर करते हैं। ये जो टॉपिक है क्लियर कट आपके सिलेबस में मेंशन है, वेदर पैरामीटर्स और उनके मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स। तो वेदर पैरामीटर में पहला है सोलर रेडिएशन, इरेडिएशन है सौर विकिरण, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है ह्यूमिडिटी, चौथा है विंड स्पीड। और दूसरी तरफ आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो सवाल जो रेडिएशन है, टेम्परेचर हम मापते हैं थर्मोमीटर से, ह्यूमिडिटी मापते हैं हाइग्रोमीटर से, विंड स्पीड जो है वो मापते हैं एनीमोमीटर से, और सवाल रेडिएशन सौर विकिरण मापते हैं पायरोनोमीटर से। अब आप इसको मैच करके सिलेक्ट करिए कौन सा आंसर सही है। तो सवाल रेडिएशन में मीन्स ए में थर्ड, ए में थर्ड, इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें भी नहीं है कैंसिल, इसमें इसमें दोनों में है। अगला ऑप्शन मैच करिए बी में टेम्परेचर, बी में फोर्थ, बी में फोर्थ, इसमें नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, बी में फोर्थ इसी में है। ये आपका आंसर सही है, ठीक है, बी में फोर्थ, सी में थर्ड और डी में फर्स्ट। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द प्रिडिक्शन ऑफ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर ए गिविंग लोकेशन एट द टाइम इज कॉल्ड। मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र के लिए वहाँ का जो वेदर पैरामीटर है उसको ध्यान में रखते हुए दिए गए स्थान और समय के लिए वायुमंडल की स्थिति की भविष्यवाणी को क्या कहते हैं। मीन्स कोई दिया हुआ समय है, निश्चित टाइम पीरियड है, और निश्चित जो है वो प्लेस है, स्थान है, वहाँ के लिए अगर वायुमंडल की जो स्थिति है उसकी भविष्यवाणी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा। पहला है एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस, वायुमंडली गड़बड़ी, गलत है। दूसरा है विंड फॉरकास्टिंग, ये भी रॉन्ग है, विंड फॉरकास्टिंग जैसा कोई फॉरकास्टिंग का सिस्टम नहीं है। उसके बाद अगला है रेन फॉरकास्टिंग, अगला रेन फॉरकास्टिंग है, ये भी ऑप्शन गलत है आपका, ये भी गलत है, रेन फॉरकास्टिंग भी गलत है, वेदर फॉरकास्टिंग सही है। ठीक है, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, ये तीन टाइप की वेदर फॉरकास्टिंग होती है, मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, लॉन्ग रेंज रेंज वेदर फॉरकास्टिंग और शॉर्ट रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। तो सही आंसर आपका क्या है, वेदर फॉरकास्टिंग, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची एक को सूची दो से मिलाना है और सही आंसर को सिलेक्ट करना है। पहला एक तरफ दिया हुआ है लाइट, दूसरा विंड डायरेक्शन, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा रेनफॉल। दूसरी तरफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, किसके द्वारा इनका मापन करते हैं। तो पहला दिया हुआ है हाइग्रोमीटर, दूसरा रेन गाज, तीसरा दिया हुआ है विंड वेन और चौथा पायरेनोमीटर। तो लाइट को हम मेजर करते हैं किससे, पायरोनोमीटर से, विंड डायरेक्शन को मेजर करते हैं विंड वेन से, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से, रेनफॉल को मेजर करते हैं रेन गाज से। अब आप इसको मैच करिए और आंसर सेलेक्ट करिए। लाइट, लाइट जो है ए में फोर्थ, ए में फोर्थ, इसमें नहीं ये कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं ये भी कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी इसमें है, ठीक है।
ए में फोर्थ देखिए, इसमें नहीं, ये कैंसिल, इसमें भी नहीं, ये भी कैंसिल, और डी में भी नहीं, ये भी कैंसिल। ए में फोर्थ केवल एक ही में है, सी में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए किसी भी प्रश्न को आप दो तरीके से सही कर सकते हैं, एक सिलेक्शन पावर से, दूसरा रिजेक्शन पावर से। अगर इसमें मैचिंग में आपको एक ही आ रहा है तो आप देखिए किस में मिल रहा है वो। जैसे ए ऑप्शन लाइट है, लाइट का जो है वो मेजरमेंट पायरनोमीटर्स किया जाता है। ए में फोर्थ तो और किसी विकल्प में नहीं है, और किसी में नहीं है, तो हम पहले ही एक ही मैचिंग से हमने सिलेक्ट कर लिया कि सी ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से प्रश्न करिएगा तो टाइम भी बचेगा और प्रश्न भी गलत नहीं होंगे आपके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द थिक लेयर ऑफ एयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड, मतलब पृथ्वी पे जो वायु की मोटी परत है उसको क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी पे जो वायु की मोटी परत है क्या उसको क्लाइमेट कहा जाता है? गलत। वेदर कहा जाता है? गलत। फॉरकास्टिंग? गलत। एटमॉस्फियर कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है। एयर की जो मोटी परत है, लेयर है, थिक लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द बुल सीमन, मतलब जो बैल है उसका जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है। जो ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट होंगे ये सब प्रश्न लिखाए हैं, ठीक है, देखिएगा आप लोग, ये सारे प्रश्न करवाए हुए हैं। द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ द बुल सीमन, बुल सीमन का जो पीएच रेंज होता है वो कितना होता है? तो बुल सीमन का पीएच रेंज 6.4 से 6.8 के बीच में होता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन पर इजेकुलेशन बुफेलो बुल, मतलब एक बार में जो बुफेलो बुल है वो कितना सीमन जो है वो स्खलित करता है, मीन्स एक बार में स्पर्म कितना बाहर निकलता है, स्पर्म इजेकुलेशन वन टाइम में कितना होता है, प्रश्न पूछ रहा है। तो जो भैंस बैल है उसमें एक बार में जो वीर्य का स्खलन होता है वो 3 से 4 ml होता है, और यहीं पे याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो स्पर्म इजेकुलेशन है, वीर्य स्खलन, वो सबसे ज्यादा स्पर्म इजेकुलेशन सो में होता है, शुगर में। शुगर में सबसे ज्यादा जो सो है, या इसी को पिग पिग बोलते हैं, इसी को सा भी बोलते हैं, तो सॉरी बोर भी इसी को बोलते हैं। तो बोर, पिग या सो कुछ भी आ जाए, और इसी का गर्भकाल सबसे कम दिन 114 दिन का होता है, भी याद रखिएगा। तो सबसे कम स्पर्म इजेकुलेशन, सबसे अधिक स्पर्म इजेकुलेशन कौन करता है? सो, पिग या बोर, और इसका गर्भकाल सबसे कम दिन का होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। शुगर के मांस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये भी सबसे अधिक होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सीमेन प्रिजर्व एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज, मतलब जो स्पर्म है उसको जब एक -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि सीमेन को हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, और जब -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में सीमेन को प्रिजर्व करते हैं तो सीमेन क्या करता है? फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है, तो वो सीमेन कैसा होगा? फ्रोजन सीमेन। ठीक है, आप जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है, और 0.54 डिग्री सेल्सियस पे, -0.54 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क जो है, दूध, वो जम जाता है। तो -196 पे तो सीमेन जम ही जाएगा ना, तो फ्रोजन सीमेन ये प्रिजर्व करता है, भी आप याद रखिएगा। -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोजन सीमेन को हम प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, पहला है सिलेक्टिव हर्बिसाइड, दूसरा है फोलियज एक्टिव हर्बिसाइड, तीसरा है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, और चौथा है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। तो फोलियज एक्टिव हर्बिसाइड, ए सिलेक्टिव हर्बिसाइड आपका 2,4-D है, फोलियज एक्टिव हर्बिसाइड आपका आइसोप्रोट्यूरान है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड आपका डाइक्वाट है, और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड जो है वो ग्लाइफोसेट है। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड आपका हो गया 2,4-D, पूरा नाम है इसका 2,4-D, और फोलियज एक्टिव हर्बिसाइड हो गया आइसोप्रोट्यूरान, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड डाइक्वाट, और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट। यहीं पे आप याद रखिएगा विश्व का सबसे पहला खरपतवार नाशी 2,4-D है।
240 विश्व का सबसे पहला खरपतवार नाशी है। इसका यदि सांद्रता 20 पीपीएम से कम होगा तो यह हार्मोन्स का काम करता है, और यदि इसकी सांद्रता 20 पीपीएम से अधिक हो तो ये हर्बिसाइड का काम करता है। आंसर सेलेक्ट करिए सेलेक्टिव हर्बिसाइड में ए में डी। ए मेथड किसमें है? इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें भी नहीं कैंसिल, इसमें भी नहीं कैंसिल, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। बीड साइंस का प्रश्न है, एक तरफ बीड के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका कंट्रोल एजेंट। पहला दिया हुआ है प्रिकल पियर, दूसरा है वाटर आइसन, तीसरा है लेंटाना कैमरा, चौथा है कैरेट ग्रास। तो कैरेट ग्रास का कंट्रोल जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा से होता है। डी में फोर्थ किसमें किसमें है? उस इसमें है, ये भी ठीक है, इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें भी नहीं, ये भी कैंसिल। अगला है लेंटाना कैमरा का कंट्रोल जो है वो करते हैं क्रोसिडोसीमा लेंटाना से। तो लेंटाना कैमरा सी में सेकेंड, सी में सेकेंड किसमें है? सी में सेकेंड इसमें नहीं, ये भी कैंसिल, सी में सेकेंड इसमें है, तो बी ऑप्शन आपको सही हो गया। तो इस प्रकार से ए में थर्ड और उसके बाद बी में फर्स्ट, ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए भाई। अगला प्रश्न है एट्राजीन इज एन एग्जांपल, आप बहुत बार आपको बताया एट्राजीन सीमाजीन, ये हर्बिसाइड है। एट्राजीन सीमाजीन जो है वो मेज सोरघम सुगर केन में प्रयोग किया जाता है, और मेज सोरघम सुगर केन, पर्ल मिलेट और एमरेंथस और चिनोपोडियम, ये सारे जो प्लांट हैं वो सी4 प्लांट हैं। सी4 प्लांट कौन कौन से हैं? सी4 प्लांट में मेज है, सोरघम है, सुगर केन है, पर्ल मिलेट है, एमरेंथस है चौलाई, और चिनोपोडियम है बथुआ। ये जो प्लांट है ये कैसे प्लांट हैं? ये सारे के सारे प्लांट आपके सी4 प्लांट हैं। तो आप याद रखिएगा एट्राजीन सीमाजीन जो है वो पर्ल मिलेट सोरघम सुगर केन में यूज किया जाता है और मेज में, और जो पेंडीमेथिलीन है वो याद रखिएगा दलहनी फसलों में यूज किया जाता है, और आपका याद रखिएगा इमिडाथायपर जो है वो सोयाबीन में यूज किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ब्यूटाक्लोर या मचेटी जो है वो राइस में प्रयोग किया जाता है। तो एट्राजीन हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशी, ए ऑप्शन क्लियर। अगला अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू सिंपल सुगर, मतलब निम्नलिखित में से किसे सरल शर्करा में आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब सबसे सरल शर्करा कौन सी है? कहने का प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है जैसे कोई सरल शर्करा है उसको और अधिक सरल शर्करा में नहीं बदला जा सकता, तो इसमें से कौन सी ऐसी शर्करा है जो सबसे सरल शर्करा है और उसको और सरल शर्करा में बदला नहीं जा सकता? तो पहला इसमें है डाइसेक्राइड, दूसरा है ट्राइसेक्राइड, तीसरा है मोनोसेक्राइड, चौथा है पॉलीसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड को बदला जा सकता है मोनोसेक्राइड में, ट्राइसेक्राइड को डाई में बदला जा सकता है, पॉली को ट्राई डाई में बदला जा सकता है, मोनोसेक्राइड को और सरल जो है वो नहीं किया जा सकता। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नॉट द फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट, तो आपको बताया था पौधों के लिए टोटल पोषक तत्वों की संख्या 17 है, जिसमें से CHO बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट है, ये या इसी को फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट कहते हैं, NPK प्राइमरी है, CA MG S सेकेंडरी है, FE MN CU ZN B MO NI CL ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसमें से आपको याद रखना बोरान नॉन मेटल माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मॉलिब्डेनम अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये भी आप याद रखिएगा, निकिल सबसे लास्ट में 1987 में इसको पीएच ब्राउन ने इसेंशियल एलिमेंट की लिस्ट में जोड़ा, पीएच ब्राउन ने,
पीएच ब्राउन ने सबसे लास्ट में इसको एसेंशियल एलिमेंट की लिस्ट में जोड़ा, इसको भी आप याद रखिएगा। तो अगर पूछे पौधों के लिए टोटल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी, तो 17। बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट कितने, 3। प्राइमरी 3, सेकेंडरी 3। उसके बाद जो बच्चे सब माइक्रो, प्राइमरी और सेकेंडरी, देखिए इसको हम मिला के एक साथ बोलते हैं माइक्रो बृहत पोषक तत्व, और इन सभी को मिला के बोलते हैं माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आप याद रखिए, अच्छा पूछ क्या रहा है, फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट। फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट में सी है, एच है, ओ है, तो मतलब बी सी डी है, ए और ई नहीं है। बी सी डी किस में से, किस ऑप्शन में है, अच्छा पूछा है कौन नहीं है, तो नहीं में ए नहीं है, ई नहीं है, ए ई किस में है, ये डी ऑप्शन, ए और ई जो है वो फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इज कॉल्ड एज एंटी हीमोरेजिक विटामिन, मतलब एंटी रक्त स्रावी विटामिन कौन सा है, मीन्स जब आपको कट जाए तो ब्लीडिंग को रोकता कौन है, ब्लीडिंग को रोकने वाला विटामिन कौन है, रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन जो है कौन है, विटामिन के जो है वो रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन है, रक्त स्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन के। विटामिन डी याद रखिएगा, हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन है, इसका सोर्स है सनलाइट, सनलाइट, साथ ही साथ इसका सोर्स है मशरूम, सब्जियों में इसका सोर्स मशरूम है, फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, और जो मिल्क प्रोडक्ट हैं या डेयरी प्रोडक्ट वो भी इसके सोर्स हैं। विटामिन ई जो स्प्राउटेड, स्प्राउटेड सीड्स होते हैं और स्प्राउटेड व्हीट, इसमें विटामिन ई पाया जाता है, और ये क्या करता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है विटामिन ई। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला, अगला है, स्कर्वी डिजीज इज कॉल्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी डिजीज किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी डिजीज जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से याद रखिएगा रिकेट्स होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पोल्ट्री डिजीज आल्सो नोन एज न्यूकास्टल डिजीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें से कौन सा रोग ऐसा है जिसको न्यूकास्टल रोग के नाम से जानते हैं, पहला है फाउल कोराइजा, दूसरा है, पहला है फाउल कॉक्सीडियोसिस, दूसरा है फाउल कोराइजा, तीसरा है रानीखेत, और चौथा है मार्कराज डिजीज। तो देखिए पहला जो फाउल कॉक्सीडियोसिस है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये रोग किससे होता है, प्रोटोजोआ से, रानीखेत वायरस से होने वाला रोग है, फाउल कोराइजा ये आपका होने वाला रोग है बैक्टीरिया से, और मार्कर डिजीज आपका वायरस से होती है। तो रानीखेत को ही न्यूकास्टल लाइन डिजीज कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, रानीखेत को न्यूकास्टल लाइन डिजीज कहते हैं, और ये पोल्ट्री में होने वाला बीमारी है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, डिहार्निंग पेस्ट यूज फॉर डिसवर्डिंग इन कॉल्स टिपिकली कंटेन्स, मतलब बक्षड़े का जब सिंग रोधन करते हैं तो उसके बाद उस पर पेस्ट लगाते हैं जिससे उसका घाव जो है वो जल्दी भर जाए, ठीक है, जिसमें जिससे वो जो टीयरिंग हुई है वो सही हो जाए जल्दी से, जल्द से सही होने के लिए हम कौन सा, किसका पेस्ट यूज करेंगे, इसमें से प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है सोडियम नाइट्रेट, और पांचवा ऑप्शन है जिंक नाइट्रेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, कौन से यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों यूज करते हैं, तो ए और सी, ए और सी किस में है, ये ऑप्शन सही है, सी आपका, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी टेम्परेचर गोज अप 106 फारेनहाइट, द एनिमल में सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाई डिसऑर्डर, मतलब जब पोषण की कमी से पशु का जो शरीर का तापमान है 106 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है,
और जानवर जो है वो कब्ज से, गैस से पीड़ित हो जाता है, तो वो रोग कौन सा होता है? पहला है ब्लॉट, दूसरा है एक्सट्रोटॉक्सीमिया, दूसरा है, तीसरा है एनीमिया, और चौथा है कॉक्सीडियोसिस। तो एक्सट्रोटॉक्सीमिया है ये, आप याद रखिएगा। एक्सट्रोटॉक्सीमिया में क्या होता है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, साथ ही साथ पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तापमान भी बढ़ जाता है और पेट में अतिरिक्त गैस भर जाती है। तो बीमारी कौन सी है? एक्सट्रोटॉक्सीमिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मार्केज डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज्ड बाई। तो मार्केज डिजीज जो पोल्ट्री में है वो हर्पेस वायरस से होती है। हर्पेस वायरस याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी फॉडर फॉर एन एडल्ट काउ इज पर डे, मीन्स ड्राई फॉडर एक काउ को कितना पर डे चाहिए? 5 से 6 केजी चाहिए। 3 से 6 केजी सही आंसर है, लेकिन 5 से 7 केजी सही करेंगे क्योंकि उसके सराउंडिंग में कोई आंसर नहीं है। अगर यहीं पे पूछता है उसको दाना कितना चाहिए, ठीक है, तो आपका 1.5 से 2.5 केजी चाहिए होता है, लेकिन वो शुष्क चारा पूछ रहा है तो 5 से 7 केजी सही है। कौन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, हाँ रिपीट है। अगला प्रश्न है डेनोट एंड इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द अडर और मेमरी ग्लैंड, मतलब पशु जो है उसके उदर या स्तन ग्रंथि में सूजन आ जाता है और संक्रमण हो जाता है, तो ये किस रोग को दर्शाता है? तो मेस्टाइटिस है, ठीक है। मेस्टाइटिस में क्या होता है, अडर में सूजन आ जाता है और ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज में क्या होता है, मुंह में और पैर में छाले पड़ जाते हैं। ब्रुसियोलिसिस क्या है, ये ब्रुसेला एबॉर्टस से होता है, इसमें जो है वो प्री मेच्योर गर्भपात हो जाता है, ठीक है, गर्भपात हो जाता है 7 से 8 ही महीने में, 6 से 7 महीने में प्री मेच्योर एबॉर्शन हो जाता है इसमें, ब्रुसियोलिसिस में। अगला है पिकोरना वायरस केज डिजीज, मीन्स पिकोरना वायरस से कौन सा रोग होता है? तो पिकोरना वायरस से याद रखिएगा फूट एंड माउथ डिजीज होती है, और हर्पेस वायरस से भी आपको बताया, हर्पेस वायरस से कौन सी डिजीज होती है? मारेक डिजीज, मारेक डिजीज होती है किससे? हर्पेस वायरस से। अगला प्रश्न है इन इंडिया टिक्का इज ए मेजर डिजीज ऑफ, टिक्का डिजीज ग्राउंड नट में लगता है, ग्राउंड नट का वैज्ञानिक नाम रैकिस हाइपोजिया वैरायटी फैस्टिगाटा है, रैकिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोक्यूम्बेंस, इसका और उत्पत्ति स्थान ब्राजील है, याद रखिएगा। इसमें एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस नाइजर नामक दो फंजाई लगते हैं जो स्टोरेज में लगते हैं। 70% 70-74% सेलिंग परसेंटेज है इसका, और इसमें क्वापिंग नामक डिसऑर्डर लगता है जो कैल्शियम की कमी से लगता है। इसमें होता क्या है, दाने जो है वो मूंगफली में नहीं बनते हैं, ये डिसऑर्डर न लगे मूंगफली में, इसके लिए हम 200 से 250 केजी जिप्सम पर हेक्टेयर की दर से यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक इंसेक्ट लगता है व्हाइट ग्रब, जिसका साइंटिफिक नेम होलोट्राइचिया कंसनग्विना है, और ये जो है वो सैंडी सॉयल में अधिक लगता है और ये रूट को डैमेज करता है, एक लेंग ये सॉयल के अंदर करता है, इसको भी याद रखिएगा। रोसेट डिजीज भी ग्राउंड नट में लगती है और रूट रॉट डिजीज भी ग्राउंड नट में ही लगती है, याद रखिएगा। इसका छिलका CaCO3 का बना होता है, इसे भी आपको याद रखना है। इसकी खली में नाइट्रोजन का प्रतिशत 7.3% होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इन इंडिया टिक्का डिजीज मेजर डिजीज या टिक्का डिजीज ग्राउंड नट की है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एजेंट इज कॉमनली यूज्ड एज सीड इनोकुलेंट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन इन ग्राउंड नट क्रॉप, मतलब मूंगफली की फसल में सहजीवी नाइट्रोजन के लिए आमतौर पर बीज संरोपण के रूप में निम्नलिखित में से किस जैविक एजेंट का उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब ये है, हमने आपको बताया था दलहनी फसलों को जब हम उगाते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई बायो इनोकुलेंट्स यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, जैसे राइजोबियम लेगुमिनेसेरम दलहनी फसलों में, पी में लेंटिल में यूज करते हैं, राइजोबियम ट्राईफ्लाई बरसी में यूज करते हैं, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम ये आपका पी लेंटिल में यूज करते हैं, और राइजोबियम जैपोनिकम यूज करते हैं सोयाबीन और ग्राउंड नट में, राइजोबियम ल्यूपिन्स ल्यूपिन्स में यूज करते हैं, और मिलीलोटस अल्बा जो है मिलीलोटस राइजोबियम
राइजोबियम ल्यूपिन्स जो है वो ल्यूपिन्स में यूज करते हैं, और राइजोबियम ट्राईप्लाई बरसी में यूज करते हैं। और एसिटोबैक्टर याद रखिएगा शुगर केन में यूज करते हैं, एसिटोबैक्टर शुगर केन में यूज करते हैं, और एजिटोबैक्टर नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स में यूज करते हैं, बीजीए का यूज करते हैं राइस में, और साथ ही साथ एजोला का भी यूज जो है वो राइस में करते हैं। एजोला और बीजीए का यूज राइस में, एजिटोबैक्टर शुगर केन में, एजिटोबैक्टर नॉन लेगुमिनस क्रॉप में, और राइजोबियम स्पीसीज का प्रयोग जो है वो लेगुमिनस स्पीसीज में। साथ ही साथ फ्रेंकिया जो है ऐसा सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करके करता है। दलहनी फसलों में जो रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और पिंक कलर होने का कारण जो है वो राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक बैक्टीरिया प्लस लेग हीमोग्लोबिन है, जिसकी कलर उनका रंग जो है वो पिंक कलर का होता है। और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल जो जीन है वो निफ जीन है। इंजाइम जो हेल्पफुल है वो नाइट्रोजिनेज है। कोबाल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए को फैक्टर के रूप में काम करता है। मॉलिब्डेनम और निकिल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल है, निकिल निफजीन का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेम नोड्यूलेटिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप जो है वो सस्वेनिया रोस्ट्राटा है, जिसकी स्टेम में भी रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है वो सस्वेनियर ये आपका सैनजी है, जो 134 केजी पर हेक्टेयर 134 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो ग्राउंड नट में है उसमें कौन सा बायो एजेंट यूज करते हैं, तो राइजोबियम यूज करते हैं, एजिटोबैक्टर नॉन लेगुमिनस क्रॉप में यूज करते हैं, एजोला राइस में यूज करते हैं, एसिटोबैक्टर शुगर केन में यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉल्ड बाय, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायराइड से होती है और इस डिजीज को टी ओ डाइनर ने खोजा था। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को किसने खोजा? टी ओ डाइनर ने। और इसमें होता क्या है, पोटैटो इस शेप का हो जाता है, स्पिंडल शेप का हो जाता है पोटैटो, ठीक है, ऐसे स्पिंडल शेप का हो जाता है। तो इस बीमारी को टीओ डाइनर ने खोजा और ये वायराइड से होती है, याद रखिएगा। पोटैटो में और लगने वाले रोग लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट है, ब्लैक स्कर्फ है, वार्ड डिजीज है, सारे पोटैटो में रोग लगते हैं। अगला है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, एक तरफ दिया हुआ है क्रॉप का नाम और दूसरी तरफ उसका बॉटेनिकल नाम। तो सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, ब्लैक ग्राम का विग्ना मुंगो, मेज का जिया मेज, और चिकपी का सीसर एरिटिनम। मैच करिए ए में थर्ड किस में है, इसमें नहीं कैंसिल, इसमें भी नहीं कैंसिल, इसमें भी नहीं, ये भी कैंसिल, ए में थर्ड डी ऑप्शन में है, केवल यही सही ऑप्शन है। ए में थर्ड हो गया, बी में फोर्थ हो गया, सी में फर्स्ट हो गया, और डी में सेकंड हो गया, ठीक, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क, मतलब दुग्ध के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो वाटर है 87% के आसपास पाया जाता है, लैक्टोज भी है, मिल्क का जो शुगर है उसको हम लैक्टोज कहते हैं, मिल्क शुगर क्या कहलाता है, लैक्टोज, और फिर फैट। तो वाटर, लैक्टोज और फैट, ये मिल्क के तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें से अगर आपसे प्रश्न कभी ये पूछ ले कि दुग्ध का जो प्राइस है वो किसके द्वारा फिक्स होता है, तो फैट द्वारा, जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ही ज़्यादा दूध का प्राइस होता है। तो इसमें से आंसर सेलेक्ट करिए ए बी और ई, ए बी ई किस में है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये तीनों मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पुट द टाइप ऑफ मिल्क इन द असेंडिंग ऑर्डर विद रिगार्ड टू परसेंटेज ऑफ मिल्क फैट प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा मिल्क फैट जिसमें होता है उसको सेलेक्ट करना है क्रम से। तो सबसे ज्यादा मिल्क फुल क्रीम मिल्क में 6% फैट, टोन्ड मिल्क में 3% फैट, स्टैंडर्डाइज मिल्क में 4.3% फैट, स्किम्ड मिल्क में 0.1 से 0.3% फैट, टोन्ड मिल्क में 1.5% फैट। तो ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, टोन्ड मिल्क और डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क में याद रखिएगा उल्टा है, डबल टोन्ड में 1.5%, टोन्ड में 3%, फुल क्रीम मिल्क में 6%, स्टैंडर्डाइज मिल्क में 4.3% और स्किम्ड मिल्क में 0.1 से
0.3%। इसी को हम जो ये स्किम्ड मिल्क है इसको हेल्दी मिल्क भी बोलते हैं या फिट मिल्क। हेल्दी मिल्क या फिट मिल्क इसलिए बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को फैट ज़्यादा है, जिसको फैट नहीं लेना है दूध से, वो आपका स्किम्ड मिल्क ले सकता है। और सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, प्रोटीन जो सॉरी जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, और कैल्शियम, फास्फोरस, सारे के सारे इसमें न्यूट्रिशनल जो फैक्टर्स हैं वो होंगे। केवल फैट इसमें नहीं होगा, फैट इसमें होगा 0.1 से 0.3%, मतलब ना के बराबर। तो अब इसको आप सही क्रम में लगा दीजिए, बढ़ते क्रम में लगाना है ना। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा डी, डी फिर ई फिर बी फिर सी फिर ए। सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले डी एक नंबर, दो नंबर बी, तीन नंबर सी, तीन नंबर बी, चार नंबर सी और पांच नंबर ए। ठीक है, तो सबसे कम किस में है? सबसे कम डी में है ना, स्किम्ड मिल्क में। उसके बाद फिर सबसे कम किस में है? डबल टोन्ड मिल्क में, 1.5%। उसके बाद सबसे कम फिर किस में है? टोन्ड मिल्क में। उसके बाद सबसे कम फिर किस में है? स्टैंडर्डाइज मिल्क में। और सबसे अधिक किस में है? फुल क्रीम मिल्क में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मल एक प्रश्न पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली पूछ लेगा फुल क्रीम मिल्क में फैट कितना होता है, तो भी आप सही कर देंगे क्वेश्चन। या बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क फॉर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ मिल्क। आ गया प्रश्न, देखिए, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा अवयव है जिसके द्वारा दुग्ध का मूल्य निर्धारित होता है? तो फैट द्वारा। ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अरेंज द सेट्स ऑफ मेकिंग क्यूकुम्बर पिकल इन द प्रॉपर सिक्वेंस। मतलब क्यूकुम्बर का जो पिकल्स है वो कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूकुम्बर को वॉश करेंगे और उसका छिलका उतार लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे उसको कट करेंगे, कट इंटू स्मॉल पीसेस एंड मिक्स विथ सॉल्ट। मतलब उसको कट करेंगे और फिर सॉल्ट में मिला लेंगे। तो एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, और फिर तीन नंबर पे उसको जार में रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 8 घंटे तक रहने देंगे, जिससे उसमें जो पानी है वो सब बाहर निकल जाए। तो मैच करिए, सबसे पहले एक दो तीन किस्में है, मतलब सबसे पहला डी, फिर उसके बाद बी और ई। डी बी ई, डी बी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है डी बी ई, फिर ए, ए 4 नंबर पे, और फिर सी 5 नंबर पे। ये आपका राइट आंसर है। तो मतलब पहले क्या करेंगे, अगर कुकुम्बर का अचार बनाना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सबसे पहले वॉश करेंगे मतलब धुलेंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे छोटे टुकड़े में काटेंगे और नमक के साथ मिलाएंगे, तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे उसको जार में रख देंगे जिससे उसकी जो नमी है वो बाहर आ जाए, और फिर चौथे नंबर पे क्या करेंगे, उसमें मसाला और सिरका मिलाएंगे, और फिर 5वें नंबर पे क्या करेंगे, 1 सप्ताह के लिए धूप में रख देंगे और अचार आपका तैयार हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यही याद रखिएगा, 15 से 20% नमक का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, द एक्सटेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग परसेंटेज इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब भारत में कितना प्रतिशत खाद्य का प्रसंस्करण होता है? प्रसंस्करण का मतलब है ताजी फल और सब्जियां जो है उनको हम संरक्षित करके लंबे समय तक रखने के लिए कितना परसेंट यूज करते हैं? तो फल और सब्जियों का संरक्षण 2% भारत में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, म्यूटेशन विच काज एन एग्जिस्टिंग अमीनो एसिड टू बी चेंज टू ए स्टॉप कोडन इज कॉल्ड। मतलब इस प्रकार का म्यूटेशन क्या कहलाता है, जो किसी अमीनो एसिड को कोड में बदल देता है। ठीक है, किसी अमीनो एसिड को जो एग्जिस्टिंग अमीनो एसिड है उसको स्टॉप कोडन में बदल देता है, तो इस प्रकार का म्यूटेशन क्या कहलाता है? जब कोई अमीनो एसिड जो है वो
स्टॉप कोडान में बदल जाता है तो उसको नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं। याद रखिएगा म्यूटेशन क्या है, सडन हेरिटेबल चेंज इन जीन, जीन में अचानक परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन कई टाइप का होता है, जैसे फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, ये सारे म्यूटेशन के टाइप है। फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या होता है, जब कोई वाइल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड स्पीसीज में कन्वर्ट होती है तो फॉरवर्ड म्यूटेशन कहलाता है, और जब कोई कल्टीवेटेड स्पीसीज वाइल्ड स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बैकवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन के टाइप हैं। जब किसी जीन के एक स्मॉल सेगमेंट में म्यूटेशन होता है तो उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन जो वर्ड है सबसे पहले ह्यूगो डिब्रीज ने दिया, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सडन हेरिटेबल चेंज इन जीन, जीन में अचानक परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटेशन हेरिटेबल होना चाहिए। हेरिटेबल क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो हेरिटेबिलिटी है वो कोई कैरेक्टर अगर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो तो कैरेक्टर कहलाएगा हेरिटेबल। उत्परिवर्तन जिसके कारण मौजूदा अमीनो एसिड को स्टॉप कोडान में बदल दिया जाता है नॉन सेंस म्यूटेशन कहलाता है। अगला अगला है, विच वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स यूज्ड एज फिजिकल म्यूटाजेंट्स, मतलब जो भौतिक उत्परिवर्तन के रूप में प्रयोग होने वाले हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से एजेंट हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जो है वो फिजिकल म्यूटाजन है जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन क्लोन लार्ज फ्रेगमेंट इन मेगाबेस पेयर रेंज। ये देखिए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जब किसी सेल में हमें फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करना होता है या जब किसी जीन में हमको फॉरेन डीएनए ट्रांसफर करना होता है तो हम वेक्टर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल ये है, एक सेल आपकी ये है, दूसरी सेल ये है, ये मान लीजिए कि इसमें ए बी कोई जीन है और इसमें जीन है सी, लेकिन ये जो जीन है इसको हमें इसमें डालना है तो हम वेक्टर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वेक्टर। वेक्टर की हिंदी क्या है, वाहक। और ये वेक्टर क्या करेगा, ये जीन को अपने ऊपर कैरी करेगा। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, इस पे ए बी जीन जो है वो जाके बैठ जाएंगी और इसको वेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, इस सेल में डाल देंगे। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा वेक्टर सबसे ज़्यादा जीनोम को कैरी करता है, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम सबसे ज़्यादा जीनोम को कैरी करता है, याद रखिएगा मेगा बेस पेयर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको, बायोटेक्नोलॉजी का है क्वेश्चन। अगला है, यहीं पे याद रखिएगा जो आरआई प्लाज्मिड और टाई प्लाज्मिड है ये भी वेक्टर ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस ये भी दोनों ये ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं, भी याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द पेलियंड्रोनिक सीक्वेंस इन द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट, पेलियंड्रोनिक सीक्वेंस इसमें से कौन है, तो देखिए एक के बाद जो डबल सीक्वेंस में होता है वो उसको पेलियंड्रोनिक सेगमेंट कहते हैं। जैसे देखिए टी है तो सी फिर डबल सीक्वेंस में है, ए है फिर टी है फिर सब सी डबल सीक्वेंस में है, मतलब टी के बाद जी डबल सीक्वेंस में और टी के बाद फिर सी डबल सीक्वेंस में, ये पेलियंड्रोनिक सीक्वेंस है। इसमें भी देखिए एक बार सी डबल सीक्वेंस में और एक बार जी डबल सीक्वेंस में, तो ये पेलियंड्रोनिक सेगमेंट है, ये पेलियंड्रोनिक सेगमेंट है, बी इसका करेक्ट आंसर है, ऐसा और किसी में नहीं है। ठीक, आप मैच कर लीजिए। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन क्रिक ने दिया थे, भी आप याद रखिएगा। अगला है, इमिटर्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इरिगेशन सिस्टम, इमिटर जो है वो किसका मेन कंपोनेंट होता है, तो इमिटर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को सिम्चोब्लास ने इजराइल में सबसे पहले डिस्कवर किया था। सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की होती है, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऐसी जगह हम यूज करते हैं जहाँ पे वाटर की एक्यूट शॉर्टेज होती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऐसी फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें स्पेसिंग अधिक होती है, और ड्रिप इरिगेशन फ्रूट वाली क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, मतलब फल वाली फसलों में यूज किया जाता है। तो जो इमिटर्स है वो ड्रिप इरिगेशन का पार्ट है। अगला,
अगला है इज ए टाइप ऑफ वाटर सेट, वाटर सेट का प्रकार कौन सा है, तो मिनी वाटर सेट। ठीक है, लार्ज मीडियम स्मॉल और मिनी होता है, तो मिनी वाटर सेट का टाइप है। अगला है इज टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई ए क्रॉप ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द क्रॉप, मतलब फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने में या फसल के पूरे काल में जितने पानी की आवश्यकता होती है उसको हम डेल्टा कहते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्या है, एक फसल को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने में जितना पानी की आवश्यकता होती है उसको डेल्टा कहते हैं। अगला है इमिटर्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, फिर आ गया ड्रिप इरिगेशन का है। अगला है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस इन इंडिया पर एनम, मतलब भारत में वूल सबसे ज्यादा लगभग कितना प्रोड्यूस होता है, तो पर एनम प्रतिवर्ष तो 47.9 मिलियन केजी प्रोड्यूस होता है, और याद रखिएगा वूल प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस जो है वो राजस्थान का है, भारत में सबसे ज्यादा वूल जो है वो राजस्थान में प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा मांस महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा अंडा आंध्र प्रदेश, और सबसे ज्यादा दूध भी राजस्थान। अगला है मोर देन 70% ऑफ लीवर लाइव स्टॉक है, लीवर नहीं है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन, मतलब विश्व की जो है वो 70% से अधिक पशुधन की जो संख्या है वो जो है कहाँ पाई जाती है, इंडिया और चाइना में, भारत और चीन में विश्व की 70% जो है वो पशुधन की जनसंख्या पाई जाती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ गुड क्वालिटी साइलेज, मतलब इसमें से इनकरेक्ट कौन है साइलेज की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। पहला है टाइमली हार्वेस्टिंग ऑफ फॉडर, अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज की तैयारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, टाइमली हार्वेस्टिंग सही है, प्रिजर्वेशन मेथड भी सही है, क्वांटिटी ऑफ एयर एंड टाइम ऑफ पैकिंग ये भी सही है, डिले हार्वेस्टिंग ऑफ फॉडर लिखा है, अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज की तैयारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, टाइमली हार्वेस्टिंग ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एयर और द टाइम ऑफ पैकिंग सी गलत है आपका, ठीक है, प्रिजर्वेशन मेथड अगर सही नहीं होगा तो साइलेज जो है वो प्रभावित होगा। अगला है एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल मींस गाय की विदेशी नस्लें कौन सी हैं, तो होलिस्टीन फ्रीजियन विदेशी है, जर्सी विदेशी है, ब्राउन स्विस विदेशी है, तो ए सी ई डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजियन। अगला है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, पहला है रेड सिंधी जो है वो दुधारू नस्ल है, सही है, अंगोल ब्राउन स्विस एक्जोटिक है, सही है, खिलारी ड्रॉट है, सही है, अंगोल डुअल पर्पज, सामने सामने है सर, ए में फर्स्ट बीम सेकंड सीम थर्ड डिम फोर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है मेहसाना ब्रीड ऑफ फेलो इज इंटरमीडिएट क्रॉस बिटवीन, मतलब मेहसाना क्रॉस कौन सा है, तो मुर्रा और सूरती के बीच का क्रॉस है मेहसाना। अगला मुर्रा सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, ये भी याद रखिएगा, भदावरी भैंस की नस्ल में सबसे ज्यादा दूध फैट पाया जाता है 8 से 13%, और टोंडा जो है दक्षिण भारत की नस्ल है, ये भी याद रखिएगा, सूरती जो भैंस है उसका सींग हसीर का कारक होता है। अगला है टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ और फिर एग्जाम्पल, इसमें है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ वो है ट्रिपैनोसोमा, उसके बाद सीलिएट प्रोटोजोआ जो है वो है पैरामीशियम, फिर उसके बाद है स्पोरोजोवंस जो है वो प्लाज्मोडियम है, और एमीबॉयड प्रोटोजोआ कौन सा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटीमीबा जिंजिवेरिस से क्या होता है पेचिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटीमीबा जिंजिवेरिस से, ये गंदे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैच करिए फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ सेकंड, ए में सेकंड किसमें है, इसमें नहीं कैंसिल, बी में थर्ड इसमें नहीं कैंसिल, इसी में सही, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला
अगला है मैच द लिस्ट फर्स्ट बी लिस्ट सेकंड, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पहला है कॉमन नेम, दूसरा साढ़वी नेम। कॉमन नेम वाइड ग्रब, वाइड ग्रब बताया आपको होलो ट्रिचिया कंसंगिना, किसमें लगता है? मूंगफली में। लोकस्ट एंड ग्रास ऑपर सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया है। ग्राम पॉड बोरर हेल्कोवर्पा आर्मीजेरा है। व्हाइट स्टेम बोरर सिस्मिया इंटरफेरेंस है। तो इसको मैच करिए, ए में फर्स्ट, बी में फोर्थ। ए में फर्स्ट इसमें गलत है, इसमें भी गलत है, ये भी गलत है। ए में फर्स्ट एक ही में, ए में तो ए सही हो गया। अगला प्रश्न, अगला है डिसकरिंग एंड मटॉकिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। डिसकरिंग और मटॉकिंग किसमें होता है? तो डिसकरिंग एंड मटॉकिंग होता है बनाना में, बताया है आपको, जो आप लाइन के स्टूडेंट होंगे पढ़े हैं सब। डिसकरिंग और मटॉकिंग किसमें होता है? बनाना में। अवांछित शख्स को हटाना डिसकरिंग है, मटॉकिंग है एक बार क्रॉप लगा 3 बार फल लेना। 1 मिनट, सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है लीची, लीची चाइनेंसिस इज टिपिकली प्रोपोगेटेड बाय। लीची चाइनेंसिस का प्रोपोगेशन होता है मार्कटेज लेयरिंग या गुटी विधि से। लीची चाइनेंसिस साइंटिफिक नेम है, चाइना ओरिजिन प्लेस है। मार्कटेज लेयरिंग या एयर लेयरिंग से प्रवर्धन होता है गुटी विधि द्वारा। और इसकी जो प्रजाति है रोज सेंटेड है, कलकतिया है, सहारनपुर है, चाइना है, और उसके बाद इसकी प्रजाति शाही है जो इम्पोर्टेंट है, और देहरादून है जिसमें फलों का फटना अत्यधिक पाया जाता है। लीच और शाही में फलों का फटना नहीं पाया जाता है। इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए। ये भी आप याद रखिएगा, ये डिसीडुअस नेचर का प्लांट है, इसके पत्ते जो है वो गिरते नहीं है। स्पार्क फोलियज बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी जड़ों में माइकोराइजा नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, फंजाई पाया जाता है। रेगुलर बियरिंग वराइटी ऑफ मैंगो, मैंगो की जो प्रतिवर्ष फल देने वाली प्रजाति है वो नीलम है। सिंधु ट्रिपलार्ड वराइटी है और बैक क्रॉस द्वारा विकसित प्रजाति है, सीडलेस वैरायटी है। अगला है मैच द लिस्ट फर्स्ट बी लिस्ट सेकंड। पहला है मैंगो, मैंगो की वैरायटी कौन सी है? मैंगो की वैरायटी है अल्फांसो, विदेश में निर्यात की जाती है। गुआवा, गुआवा की वैरायटी है सरदार। ग्रेप्स की वैरायटी है अनाबे शाही, केवल शाही लीची की है, अनाबे शाही ग्रेप्स की है। कोकोनट की वैरायटी है TXD। तो मैच करिए, ए में फोर्थ, ए में फोर्थ इसमें नहीं, इसमें नहीं कैंसिल, इसमें नहीं अभी कैंसिल, ए में यही सही। ठीक है, तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। CUET का जो आपका पेपर पिछले 2022 में हुए थे वो इस एग्ज़ाम के, कोशिश किया गया था कि सभी चैप्टर से और मतलब सभी यूनिट से प्रश्न लिए जाएं, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बेहतर हो सके। ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।